एंड वेलकम और वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। कैसे आप सभी, होप यू आर डूइंग गुड। एंड अभी हम हो चुके हैं रेडी, मैंने कुछ साड़ी वेयर की हुई है बिकॉज हम सोच रहे हैं कि आज प्री होली सूट करते हैं, तो अभी हम जा रहे हैं घर के जस्ट पीछे वाले पार्क पे, तो वहाँ पे कुछ स्पेशल सूट्स होंगे जो आपको देखने के लिए मिलेंगे हमारी रील्स पे इंस्टाग्राम पे। तो जरूर जाके जिस लोगों जिनने भी अभी वॉच नहीं किया होगा, कुछ रील्स तो अभी तक आ ही गई होगी, तो जा करके वॉच कर लीजिएगा। एंड कैसी लगी हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। सो क्यूट, क्या है ये, बॉटल लेके आ गई, क्या कर रही दीदी ब्लॉग बिहाइंड द सीन। हेलो जयश्री, जयश्री के आंग में थोड़ा सा पेन है इसलिए। गाइस यहाँ पर चाय बन गई है और अभी हम लोगों की कुछ हालत इस तरीके से है। कितनी अच्छी लग रही है। तो मैं यहाँ पे चाय छान रही हूँ क्योंकि अभी हम लोग ना होली खेलने के बाद थक गए हैं, तो स्ट्रेस को दूर करने के लिए। पर मजा आया आज, इतनी प्यारी प्यारी वीडियो शूट हुई है ना कि मजा आ गया है। और जितना हमें शूट करने में मजा आया है उससे ज्यादा आप लोगों को देखने में मजा आने वाला है। तो जिन लोगों ने इंस्टाग्राम पे हमें भी फॉलो नहीं किया होगा जाके फॉलो कर लीजिए, आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी है और आईडी मैं नीचे मेंशन भी कर रही हूँ, हिमप्रिया द लव बर्ड्स, आप जाके सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएगी। अगर किसी को चाय पीना हो तो यहाँ है चाय और यहाँ है हमारी पल्टन, सारे लोग। तो अभी तो मैंने खैर अपना हुलिया थोड़ा सुधार लिया है पर फिर भी हल्का हल्का कलर लगा है एंड अब तो ये कलर लगते ही रहेगा क्योंकि आ रही है होली और होली की तो बात ही अलग है। और यहाँ पर श्वेता से कुछ हो गया है, क्या हो गया है श्वेता बताओ सबको। गाल गिर गई है, गाल नहीं गिरी, गुलाल गिर गया है। यार सच में ऐसा लग रहा है कि आपने आज ही होली खेल कर फ्री हो गए। Hey everyone, good morning. वो मॉर्निंग हो गई है पर ये जैसे अभी तक सो रही है। और कल इतना ज़्यादा मतलब हम लोगों ने गुलाल खेल लिया था वीडियो शूट करने के चक्कर में कि हालत ही नहीं बची थी कि कल कुछ ज़्यादा शूट कर सकें, मतलब थकान हो जाती है ना, कलर की थकान अलग हो जाती है, तो वही हो गई थी। तो अभी मैं उठकर आ चुका हूँ नीचे, आज संडे था तो भरपूर नींद लेने का आनंद उठाए हैं और यहाँ पर ये लग गई हैं अपने काम में। क्या बना रहे हैं जी? पालक पनीर। ओ पालक पनीर स्पेशल। तो मैंने पालक को बॉईल होने के लिए रख दिया और यहाँ पे लहसुन छीलने की तैयारी कर रही हूँ, निकल ही नहीं रही है जो कि उस लाई। मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ लाई। और यहाँ बन चुकी है हमारी पालक पनीर, बहुत शानदार। सो गाइस अभी हम लोग करने वाले हैं लंच और लंच के बाद जाना है हमें इनके लिए शॉपिंग करने, जो कि आज सुबह से ही रेडी हैं, इसलिए आज है ना रेडी था वो, मतलब सुबह से ही आप तैयार हैं जाने के लिए। वाह यार सब्जी इतनी टेस्टी दिख रही है, खाने में तो मज़ा ही आ जाएगा। ठंडा पानी किसको पीना है? बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं पीना है अभी फिलहाल। वाह जयश्री की तो और ज़्यादा टेस्टी लग रही है यार, देखिए गाइस ये बिल्कुल क्रीम व्रीम डालकर बनाई गई है। इसमें भी बनी लगती थी। तो अभी लंच एंजॉय करते हैं एंड उसके बाद फिर निकलते हैं मार्केट। आज हम लोग बने हैं पिंक, हाँ। पिंक परी पिंक पिंक पी भी है क्यों
कुछ तो है। हाँ बस रोड ऐसी हो रही है, मैं आपको दिखाती हूँ। रोड बन रहे ना तो उसमें चढ़ गए थे हम लोग। नहीं मम्मी, इस रोड में हम लोग आ चुके हैं। हाँ दोनों आ चुके हैं, इसके पहले हम लोग आ चुके हैं। घर ढूंढने के चक्कर में आए थे हम लोग। हाँ इसके पहले हम और उसी कॉलोनी में आए थे जिस कॉलोनी में अभी हम लोग जा रहे हैं। ये जो मैंने दिख रहे हैं ना घर, इसी कॉलोनी में जा रहे हैं। तो हम झाक ले निकले थे वहाँ के, आ चुके हैं हम लोग। और घर के सामने एकदम पार्क है, बहुत अच्छा सा लोकेशन लग रहा है। तो अभी तो आप समझ ही चुके होंगे कि हम कहाँ आए हुए हैं। आज है श्याम बाबा का कीर्तन, वो भी हमारे पंडित जी के घर पे। तो मतलब ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो हमें इनवाइट करे और हम ना आए। और ख़ास तौर पे आज तो हमारे भोपाल नरेश पधारे हुए थे उनके घर पर, तो वो तो उनका दर्शन करना तो बनता ही था। ये तो बहुत सौभाग्य की बात है कि अब फागुन का महीना लग चुका है, क्योंकि हम खाटू नहीं जा पा रहे हैं। तो कम से कम ऐसा तो हो सकता है ना कि हम उनके कीर्तन में जा कर के उनके दर्शन कर पाए, वो भी फागुन महीने में। फागुन और सच बताएं तो इतने ज़्यादा सुंदर लग रहे थे ना कि सच में नज़र ही नहीं हट रही थी। और अभी हम यहाँ पे हम सभी कर रहे हैं उनका ज्योत ज्योत का दर्शन। और अभी जैसे ही जया के पर्दे के बाद तो बाबा का बुलावा आया ना कि कीर्तन हो रहा है और हमें वहाँ पे जाना है, तो ये सच में हमारे लिए मतलब बहुत ज़्यादा रोंगटे खड़े होने वाली बात थी। कि हम सोच रहे थे कि हमने सोचा था पहले से कि हम सभी के बर्थडे पे बाबा का कीर्तन करवाएंगे। और जया के बर्थडे के समय पे अभी कुछ ऐसे काम चल रहे हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस चल रही थी कि हम बाबा को अपने घर पे नहीं बुला पाए। तो ये तो सच में सौभाग्य वाली बात हो गई कि उसका बर्थडे हुआ और बाबा ने खुद ही बुला लिया हमें। और हमारे एनिवर्सरी के टाइम पर भी ऐसा ही हुआ था कि हम उस टाइम पर भी कीर्तन नहीं करवा पा रहे थे, बट ऐसा हुआ था कि बाबा को बुलावा आ गया था और उसी दिन हम दर्शन करने के लिए। और बाबा सच में आज कितने ज़्यादा श्रद्धे लग रहे हैं। और इस तरीके का रूप शायद ही आपने कभी देखा होगा, और कुछ लोगों ने देखा ही होगा कि जब उनका तिलक नहीं हुआ रहता है तो बाबा बहुत ही अलग श्रद्धा थे, और आज तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। और यहाँ पे जया करेंगे क्योंकि यहाँ पे जो चल रही है भगवान की, ये तो बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे बाबा के आशीर्वाद जया को इस समय पे मिल गया जबकि उसका बर्थडे था। तो Thank you.
आज की कीर्तन में तो सच में मज़ा आ गया और यहाँ पे हम दोनों बाबा से आशीर्वाद ले रहे हैं क्योंकि अभी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइम चल रहा है। आप सभी को पता है कि हम 20 तारीख को दोपहर में 12 बजे कुछ स्पेशल अनाउंसमेंट करने वाले हैं और बहुत बड़ी चीज़ है हमारी लाइफ की जो कि आपको पता चलने वाली है। तो 20 तारीख को दोपहर में 12 बजे आप सभी उस चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर के ज़रूर हमारा ब्लॉग वॉच कीजिएगा और हमें अभी सभी की ब्लेसिंग्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अभी फ़िलहाल हम उसी जो कुछ भी होने वाला है उसके लिए एक स्पेशल ड्रेस लेने जा रहे हैं। लाइक मुझे कुछ लेना है, शॉपिंग करवाएंगे आज मुझे आप, है ना? बिल्कुल, मैं आज इनको लेकर जाने वाला हूँ शॉपिंग के लिए और वो वाला व्लॉग है वो आपको इसके बाद ही देखने के लिए मिलेगा कि हम लोग क्या लेते हैं क्या नहीं। फिलहाल जब बाबा से हम लोग मतलब इजाज़त ले रहे थे घर जाने की तो बस ये लग रहा था कि जो भी हम सोच रहे हैं जो भी हम चाह रहे हैं वो सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाए।